देखो दुनिया में एक रणनीति जरूर होना चाहिए, और खास तौर से तब जबकि फिक्स 30 दिन बचे। 8 जनवरी जो है, पीपी ने डिसाइड किया है कि हम एमपी पुलिस का एग्जाम लेंगे, और आज 8 दिसंबर है, तो 30 दिन में कौन से काम आपको करना है, कौन से नहीं करना है, किन से आप सफलता की सीढ़ियों को जल्दी पार कर लेंगे, उन पर चर्चा करना है। उनको 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें बता दूंगा। पहली बात, आप मुझे ले लो, आपके टीके वाला टीचर है उसको ले लो, हम लोग आपके मुकाबले पेपर कम कर पाएंगे, क्योंकि हम केवल एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, जीके वाला टीचर जीके पढ़ रहा है, रीजनिंग वाला टीचर रीजनिंग पढ़ रहा है, क्लियर है? तो हम में और आप में फर्क क्या होगा? जब फुल लेंथ टेस्ट होगा तो हमारे नंबर आपसे क्या आएंगे? कम क्या आएंगे? कट हो सकते हैं, इसको स्वीकार करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपका टीचर हर सब्जेक्ट में बढ़िया होगा, कुछ सब्जेक्ट उसके भी क्या होंगे? वीक होंगे। तो पहला, इससे आप क्या सीखोगे कि सब सब्जेक्टों को बराबर देना है। अगर आप ये कर रहे हो कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो और केवल मैथ्स पढ़ के ये समझ रहे हो कि हमने तो आज का कोटा पूरा कर लिया, तो समझ लो खेल खत्म है आपका। क्लियर है? इसको समझने की कोशिश करो। आपका अगर हम देखने की कोशिश करें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जीके में साइंस, साइंस के बाद आता है एमपी, और फिर अदर आता है। ये प्रमुख सब्जेक्ट है, और जिसमें से आपको इन 4 सब्जेक्टों की तैयारी करना है। इसमें एक और होता है करंट अफेयर, और फिर अदर। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आप मैक्सिमम देखने की कोशिश करो। बाकी आपका मैथ्स कभी बाहर नहीं जाएगा, जितना आप पढ़ोगे आएगा। रीजनिंग कभी बाहर नहीं आएगा, साइंस आपका कभी बाहर नहीं होगा, एमपी कभी बाहर नहीं होगा। आप जरा समझने की कोशिश करना, अगर हम मध्य प्रदेश परीक्षाओं में देखें तो लगभग मैथ्स आती है 40 नंबर की, और 30 नंबर के आते हैं लगभग रीजनिंग, या इसका सिनेरियो लगभग 60 पर कर देते हैं, तो 30-30 नंबर का ले लो आप। ठीक है, 30 नंबर की मैथ्स और 30 नंबर की रीजनिंग, ये रोटेट होते रहते हैं। मतलब 60% आपका मैथ्स रीजनिंग है। नो डाउट मैथ्स रीजनिंग आपका सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, और इसमें रीजनिंग का कई बार देखा गया है कि रीजनिंग पता चले ये 25 का हो रहा है, रीजनिंग आपकी 35 तक की हो जाती है। रीजनिंग बहुत ज्यादा आती है, इसी वजह से सिलेक्शन अपने यहां ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपन ने रीजनिंग का अलग टीचर रखा है। ठीक है, सिलेक्शन का मुख्य कारण ये है। खास तौर से एमपी पुलिस में आप देखना, आपके खुद के रिजल्ट पर आपको लगेगा कि यार वाकई में मजा आ गया। आपका 10 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं साइंस में, और कई बार यहाँ पर भी 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 60, और ये 70, और ये 80%। अब करेंट अफेयर और अदर बचा है, करंट अफेयर और क्या बचा है? अदर। तो इसको आप जब समय मिले तब पढ़ो, क्योंकि ये बहुत विशाल है। ठीक है, बहुत विशाल है, आप पढ़ भी लोगे तो समय खराब करोगे। जब मैं कहता हूँ सब सब्जेक्टों को बराबर, तो वो क्यों कह रहा हूँ? अगर मैथ्स 25 नंबर की है तो आप हद खींचोगे ना, तो 22 नंबर पर गिरो। हद खींचोगे तो कितने पर गिरोगे? 22 पर। रीजनिंग हद गिरोगे तो 32 पर गिर जाओगे। मैथ्स में भी अपन ज्यादा ही बता रहे हैं, 25 में से 20 एवरेज, ऑन एन एवरेज होता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन प्रखंड विद्वान के भी गलत होते हैं मैथ्स में। रीजनिंग सटीक चली जाती है, रीजनिंग हुई, हिंदी हुई, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी आपको आना नहीं है, जहां पर आपकी सटीकता 100% होती है। साइंस के क्वेश्चन को भी अगर आप देखो तो 8 क्वेश्चन करना पड़ेंगे, और यहां पर एमपी के क्वेश्चन देखो तो लगभग 8 या 9 करना पड़ेंगे। अब देखो आपको थोड़ा थोड़ा और खुल रहा होगी चीजें, क्लियर है? अब करंट अफेयर ये है 20 नंबर का, 20 नंबर से आपको 10 नंबर उठाना होगा। अब जरा देखते हैं, हमने लगभग मैक्सिमम टाइम देखे, हमारा योग कितना हो रहा, तो ये होगा कितना नंबर होना है? 83। जनरल लड़कों के लिए अभी भी इसमें संकट रहेगा, 81-83 वॉट एवर। 80% मार्क्स तब हो रहे हैं जब हम सर्वोत्तम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वोत्तम अंक ले रहे हैं। आपका कहां पर नंबर घटते जाएंगे आपको खुद पता नहीं चल पाएगा, तभी तो आपको यकीन नहीं होगा। आप इसको फिगर को देखो जरा, कैसे आपके नंबर मैंने 25 में से कितने उठाए? 22। अच्छे खासे नंबर उठाए, 25 में से 22 क्वेश्चन सही। आप सोच के देखो 35 में से कितने क्वेश्चन? 32। अगर यहां पर हम 1-2 नंबर का भी करेंगे तो ये संख्या आपकी 75 कब नीचे गिर जाएगी पता नहीं चलेगी। तो आप पहले ये समझो कि आखिर उस चैप्टर का मूड क्या है और किस तरह से पढ़ना है। सब सब्जेक्टों को बराबर समय देना है, बराबर। ठीक है, और मैंने शुरुआत में सबसे पहले मैंने अपना बताया, टीचर्स का बताया, एक टीचर्स किस तरह से आपसे बीट कर जाएगा फुल लेंथ टेस्ट में।
आ गया समझ में? श्योर। मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने बता दी हैं, फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।